हेलो दोस्तों, मैं मानवीन प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। और आज की देखिए जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो है कि जो बजट सेशन है फाइनली वो एंड हो गया है। और देखिए टोटल 240 आवर्स का वर्क वेस्टेज हुआ है इस बार। जो टोटल 240 आवर्स हैं वो वेस्ट हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं लोकसभा में 127 आवर्स के आसपास वेस्ट हुए हैं और राज्यसभा में 120 आवर्स के आसपास वेस्ट हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक टेबल आप देख रहे होंगे। देखिए जो टेबल है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2000 से लेकर 2018 तक में पहली बार इतना कम काम हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, बजट सेशन के अंदर। देखिए दोस्तों, मेन जो इस बार के मुद्दे रहे थे वो ये थे कि देखिए, तो जो आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस वाला मामला था, इसके बाद बीच में कांग्रेस ने भी अपने अपने काफ़ी मुद्दे उठाए थे, प्रोटेस्ट किए थे। तो इन्हीं सब वजहों से काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं इस बार जो पार्लियामेंट है, जो हमारा बजट सेशन रहा, बिल्कुल फीका रहा, कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ अधिकतर आप कह सकते हैं इसको प्रोटेस्ट के नाम पर, इसको आप एक शब्द में अगर डिफाइन करना है कि इस बार का बजट सेशन क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जल्द में ही पॉलीगैमी का जो इशू आया था, आपने सभी को पता होगा, मैंने अपने न्यूज़ में बताया था पॉलीगैमी का जो इशू आया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र किया था, ठीक है। और तो अभी जो एडवोकेट हैं जो बाबरी मस्जिद इशू में मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जब आप पॉलीगैमी के इशू को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर सकते हैं, तो आप बाबरी मस्जिद के केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जिसको ये नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि देखिए, जब जज 5 से कम जजेस नहीं बैठेंगे, ठीक है, जब आपके जो प्रिसाइडिंग जूरी होगी उसमें आपको 5 से कम जज नहीं होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो ये जो बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, इसका काम सीधा सा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविज़न को चेक करना कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे, आप कह सकते हैं बाबरी मस्जिद को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वकील है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, राजीव धवन, तो इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि जब आप पॉलीगैमी के इशू को इतना बड़ा मान सकते हैं कि उसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर सकते हैं, तो क्या बाबरी मस्जिद का मैटर बड़ा नहीं है क्या? बाबरी मस्जिद का मैटर भी तो मुस्लिम्स के लिए भी बड़ा है, क्योंकि वो लोग भी वहाँ प्रेयर करते थे। तो मेन चीज़ है, देखिए इन्होंने दीपक मिश्रा जी से, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके सामने बात रखी है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। देखिए इसके बाद दोस्तों, जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट बैन इम्पोर्ट ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोकिन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप लोग ऑक्सीटोकिन के बारे में पढ़ लीजिए, जो कि ये न्यूज़ में काफ़ी है, तो इस बार आप किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोकिन है क्या, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले तो देखिए, जो ऑक्सीटोकिन होता है, ऑक्सीटोकिन इन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी सिक्रेट करती है, ठीक है। और फिर इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन अपार्ट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखिए बेसिकली दोस्तों, क्या है ये जो आजकल, मतलब कि कह सकते हैं आप इसको, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी और उन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में काफ़ी हेल्प करता है, और इसको आज की डेट में ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आप मतलब इसको कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोकिन। तो फाइनली इसको इंडिया ने बैन कर दिया है, और बैन इसलिए कर दिया है क्योंकि काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, और काफ़ी देखिए लाइव स्टॉक इंडस्ट्री पर काफ़ी मिसयूज़ हो रहे थे इसके, इसलिए इंडिया ने इसको बैन कर दिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीटोकिन के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि देखिए जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चन आ भी सकता है अलग से भी कि ऑक्सीटोकिन क्या है, और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इंडिया ने अभी जल्दी में ही अपनी लाइफ स्टॉक को जो हार्म करता है एक ऐसा केमिकल बैन किया है, तो उसका नाम क्या है। तो ये चीज़ आप इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एनजीटी नोटिस टू यूपी गवर्नमेंट, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को काफ़ी पहले से ही ये बात कही थी कि गंगा नदी के आसपास आपको जितनी भी सफाई के बारे में कुछ कार्यक्रम करिए, और देखिए गंगा नदी में क्या होता है, तो डायरेक्ट सीवेज का पानी ना डायरेक्ट डाल दिया जाता है, तो इसके ऊपर भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहा था कि कुछ करिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, तो उसी के ऊपर अब एनजीटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि हाँ बताइए कि आखिर में आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी पास कह सकते हैं फटकार लगाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है।
और देखिए बेसिकली देखा जाए तो सही बात है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने तो इतनी सारी स्कीम चला रखी है गंगा नदी को साफ करने के लिए, पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वहाँ पे खुद क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। और देखिए जो सीवेज ईवेज होता है ये सबका कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट पे ही होता है, तो आप डायरेक्टली बिना उसको साफ़ किए डायरेक्टली पानी गंगा में मिला रहे हैं तो गलत बात है ये। और बाकी अब इसी के ऊपर NGT ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस थमा दिया है और इनसे पूछा है कि आप अपना बताइए कि आपने फाइन आखिर में क्यों नहीं किया ये सब, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज़ है और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी चर्चा में है, वो ये है कि US सैंक्शन टारगेट पुटिन एलाइज, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है कि US और अभी रशिया का जो आपस में कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, और बेसिकली क्यों चल रहा है, जो कि रशिया ने जो UK की सॉइल में अपने एक स्पाई को मरवा दिया था। तो देखिए US और रशिया तो ऐसे भी ऑलरेडी दोस्त थे ही नहीं कभी, हमेशा से आपस में राइवलरी रही है इनकी। तो इस मैटर पे US ने काफ़ी बोल्ड स्टेप्स ले लिए थे, रशिया के डिप्लोमेट्स को घर भेज दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको अपने देश से हटा दिया, तो मैटर काफ़ी सीरियस हो चुका था। और अब देखिए US ने क्या किया कि जो पुटिन के कुछ टॉप बिजनेसमैन थे जो उनके कंट्री के, उनका US में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था जितना भी बिजनेस था सबको सील कर दिया गया, सबको फ्रोजन कर दिया गया। इसको देखिए अगर आपको एग्जांपल से समझना तो ऐसा समझ लीजिए जैसे मोदी जी को किसी को हर्ट करना है तो वो अंबानी को, अंबानी के बिजनेस को हर्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि देखिए मुकेश अंबानी आप कुछ भी कहें तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और जब मुकेश अंबानी का बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर तो उससे डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी अफेक्ट होंगे, BJP गवर्नमेंट अफेक्ट होगी, इंडिया अफेक्ट होगा। तो वही इन्होंने यहाँ भी किया, US ने रशिया को अफेक्ट करने के लिए पुतिन के जो कुछ टॉप बिजनेसमैन थे तो उनको US में बैन कर दिया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रोजन कर दिया गया। देखिए तो लगभग 12 कंपनीज और 17 सीनियर ऑफिसर्स एंड स्टेट एंड आर्म्स एक्सपोर्टर ऑन द लिस्ट, ठीक है। देखिए स्टेट एंड आर्म्स एक्सपोर्टर मतलब देखिए बेसिकली क्या है कि रशिया क्या है कि आप सभी को पता है कि आर्म्स बनाने में बहुत फेमस है, तो वहाँ पे स्टेट की खुद की कंपनी है जो आर्म्स बनाती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो US ने उसको भी बैन कर दिया है जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है पुतिन को, रशिया को। लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अभी हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है इनका एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आया है, वो ये है कि WTO इज़ अनफेयर टू अस सेज ट्रंप, ठीक है। देखिए अभी US रशिया का तो चल ही रहा है कोल्ड वॉर, इधर US चाइना का भी चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ बढ़ा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, सबसे पहले क्या किया US ने 25% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी एलुमिनियम पे और उस पे, ठीक है। उसके बाद फिर चाइना ने उसके रिवर्स में कुछ किया, फिर US ने वापस किया, फिर चाइना ने किया, अब देखिए फाइनली WTO के ऊपर ट्रंप ने कहा है कि देखिए WTO बायस्ड है चाइना की तरफ, चाइना के लिए ज़्यादा बायस्ड है, चाइना के पक्ष में ज़्यादा डिसीजन देता है कंपेयर टू US, और ऐसे ऐसी उन्होंने बात कही है। देखिए लिखा चाइना गेट ट्रिमेंडस पर्क्स स्पेशली ओवर US, वी वर बैडली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है WTO के लिए, लेट्स सी इस पर WTO क्या बोलती है क्या करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारी PIB की न्यूज़ है आज की, खादी स्टोर लोकेटर ऐप लॉन्च, ठीक है। देखिए खादी के बारे में हम सभी को पता है खादी भंडार होते हैं, गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड एक आप कह सकते हैं दुकान होती हैं खादी उद्योग के लिए, खादी भंडार को बढ़ावा देने के लिए, तो उसको 9th उनकी नेशनल बोर्ड ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की 9th नेशनल बोर्ड मीटिंग थी, ठीक है, KVIC की दिल्ली में थी कल। तो उनमें वहाँ पे एक फैसला लिया गया और एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन वहाँ पे लॉन्च करी गई, ठीक है, जिसमें 4000 खादी स्टोर्स इन द कंट्री, जितने 4000 खादी स्टोर जो कंट्री में हैं वो उस मोबाइल ऐप में शो होंगे, और जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो आपके नियरेस्ट जो खादी स्टोर होगा वो आपको शो होने लगेगा। तो काफ़ी अच्छी दिमाग लगाया है, काफ़ी अच्छी ऐप है, देखिए जैसे एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ओला उबर जो कैब की होती है, जैसे कैसे ऑन किया जो नियरेस्ट कैब होगी वो शो होने लग जाएगी, तो उसी प्रकार से जो नियरेस्ट खादी स्टोर होगा वो आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। देखिए जो खादी स्टोर खादी भंडार की दुकानें होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं जहाँ तक मुझे पता है, और ये जो होती हैं गवर्नमेंट ओन एंटिटी होती हैं, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ही चीज़ें बेची जाती हैं। और देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि द
KVIC एक्सपेक्टेड टू सरपास द सेल टारगेट ऑफ 5,000 crore बाय द एंड ऑफ 2017-18। ठीक है, देखिए काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है इसके अंदर। यही भी इन्होंने कहा कि देखिए घर पे लोग बनाते हैं, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर की जो आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्कीम है वो भी इससे मर्ज होकर काम करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का द नॉलेज हाउस टॉक। और इससे पहले देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों, हमारा न्यूज़ चैनल हमारा मतलब चैनल अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यही तरीका है जिससे हम हमारे ग्रोथ कर सकते हैं चैनल की, और इसमें आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत रहेगी। ठीक है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहें तो हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं द नॉलेज हाउस टॉक। देखिए दोस्तों इनका नाम है अरुणिता सिन्हा। चलिए मैं पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आखिर में है कौन। आप में से बहुत लोग जानते होंगे इनका नाम। ठीक है, ये आप लोगों के स्टैटिक जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहा होगा, इनका नाम आपने कई बार याद किया होगा पर आज फोटो देख के पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा और आप कह सकते हैं ये हैंडीकैप हैं, मतलब लैग से अपने डिसेबल हैं, पर ये पहली ऐसी इंसान हैं जो फिजिकल हैंडीकैप होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और इनके थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इनका हुआ कुछ ऐसा था कि अपने ससुराल पक्ष से लड़ाई हो गई थी और वहाँ पे फिर ट्रेन में समथिंग एक बार ट्रेन में कहीं जा रही थी तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर इन्हें ट्रेन से फेंक दिया, जिससे इनका एक लेग जो था वो ख़राब हो गया और फिर वो चल नहीं पाई थी। उसके बाद कहीं से अंदर से इनके अंदर जुनून आया और फिर इन्होंने ठाना कि नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। और ये एक लेग से फिजिकल हैंडीकैप थी, इन्होंने नकली टांग का यूज करते हुए अब माउंट एवरेस्ट चढ़ी और उसके बाद कितना बड़ा नाम इन्होंने इंडिया के लिए कमाया है, इंडिया को कितना बड़ा सम्मान दिलाया है और सब कुछ इनका जो भी इन्होंने किया सब कुछ कैसे किया, क्योंकि इनके पास दृढ़ संकल्प था, पेशेंस था, हार्डवर्क की क्षमता थी। तो इनकी कहानी से हमें सिर्फ एक शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो या फिर आपने कुछ ठान लिया है और फिर चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे कितना भी कुछ हो, आप चाहें तो उस चीज़ को पा सकते हैं। बताइए जब बिल्कुल निराश इंसान, आप सोचिए जो फिजिकल हैंडीकैप है वो बंदे सोच भी नहीं सकते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, पर इन्होंने ठान लिया। और देखिए जब इंसान ठान लेता है और उस चीज़ के लिए मेहनत करने लग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसे रोक सकती है। तो यही सेम हम लोगों के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। अगर आपके मन में कोई एम है तो उस एम पे फोकस करिए, उस एम को साध लीजिए और उसके बाद दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस एम को प्राप्त करने से रोक देगी। तो दोस्तों फिर यहीं ख़त्म होती है आज की द नॉलेज हाउस टॉक, आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।